राजस्थान विधानसभा चुनावों को अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। कुछ महीने बाद ही विधानसभा के चुनाव होने हैं। इसे लेकर कांग्रेस और भाजपा पूरे दमखम के साथ जुट गई है। वहीं राजस्थान में कांग्रेस और भाजपा का खेल बिगाड़ने वाली बहुजन समाज पार्टी भी कुछ पीछे नहीं है। इस पार्टी ने सबसे पहले 5 विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी तक घोषित कर दिए हैं। बसपा के प्रदेश अध्यक्ष भगवान सिंह बाबा का कहना है कि इस बार बसपा के प्रत्याशी राजस्थान के 200 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। इसके लिए पार्टी ने 5 विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी की घोषणा भी कर दी है। वहीं साल 2008 और 2018 में बसपा के 6-6 उम्मीदवार जीते थे, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पैसे और पद का लोभ देकर उनको कांग्रेस में शामिल कर लिया। ऐसे में इस बार जिन्होंने पार्टी के साथ धोखा किया है और कांग्रेस में शामिल हो गए हैं, उन्हें बसपा टिकट नहीं देगी। बसपा अध्यक्ष ने बताया कि भले ही पार्टी 200 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशी उतारेगी, लेकिन उसका फोकस 60 विधानसभा सीटों पर रहेगा। उन्होंने कहा कि इस बार ये प्रयास रहेगा कि बसपा के इतने विधायक जीतकर आएं कि किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिले, बसपा को बैलेंस ऑफ पावर बनकर सरकार बनने का मौका मिले। उन्होंने कहा बगैर बसपा के कोई भी पार्टी सत्ता में नहीं आ पाएगी। इसके साथ ही भगवान सिंह बाबा ने बताया कि 16 अगस्त को सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय संकल्प यात्रा निकाल रहे हैं। ये यात्रा धौलपुर से शुरू होकर राजस्थान के 33 जिलों और लगभग 100 विधानसभा क्षेत्रों में होकर निकलेगी। इस यात्रा में भाजपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद, सांसद रामजी गौतम और राजस्थान प्रभारी पूर्व सांसद अशोक सिद्धार्थ के साथ पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी भाग लेंगे। इस बार के चुनावों में जिस तरह से भाजपा मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है, उससे साफ होता है कि ये भाजपा और कांग्रेस दोनों दलों का खेल बिगाड़ेगी। अब देखना होगा कि क्या भाजपा और कांग्रेस बसपा के इस खेल से बच पाते हैं या नहीं, या फिर उन्हें उसके साथ की जरूरत पड़ेगी। लोकवार्ता न्यूज़ जयपुर।